दोस्तों, दुनिया का हर देश खुद को ताकतवर और सक्षम बताकर अपनी मजबूत छाप बनाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन भले ही वो अपनी झूठी हेकड़ी कितनी ही हांक ले, उसकी असलियत क्या है ये वर्ल्ड बैंक से छिपी नहीं रहती है, क्योंकि एक यही बैंक है जिसे दुनिया भर के देश अपना कर्ज लेते हैं, और जो देश इस बैंक से कर्ज लेते हैं उनकी पूरी जन्मपत्री वर्ल्ड बैंक के पास होती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही देशों की लिस्ट के बारे में बताऊंगा जिन्हें इस बैंक ने उधार दिया हुआ है। इस लिस्ट में जहां छोटे और विकासशील देश शामिल हैं, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इस लिस्ट में भारत की स्थिति क्या है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो वर्ल्ड बैंक के कर्जदार हैं और सभी से छिपाते फिरते हैं। चीन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चीन भी वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है। वैसे तो चीन खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर होने का ढोल पीटता और पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमाने का सपना देखता है, लेकिन चीन शायद कभी अपने खाते नहीं देखता कि वो खुद कितने पानी में डूबा हुआ है। जो चीन पूरी दुनिया के छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर उन्हें अपना गुलाम बनाने की कुटिल चाल चल रहा है, वही चीन खुद वर्ल्ड का बड़ा कर्जदार है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान रखता है, लेकिन इस पर वर्ल्ड का भारी कर्ज है। आंकड़ों के मुताबिक चीन पर 2.29 यूएस डॉलर कर्ज है। चीन ने भले ही तरक्की कर ली हो, लेकिन उसने उतनी ही मात्रा में कर्जा भी लिया है। चीन की सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि वो वर्ल्ड का कर्जा उतार दे, लेकिन फिर भी ये कोशिशें फेल होती नजर आती हैं। पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम लेने पर शायद आपको हैरानी भी नहीं हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान चीन का सबसे खास दोस्तों में से एक है और ये दोनों ही भारत के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों देश मिलकर आए दिन भारत के लिए परेशानी खड़ी करते रहते हैं। इसी के चलते चीन पाकिस्तान को झांसे में लेकर उसे खुद भारी मात्रा में कर्जा दे चुका है और अपने जाल में फंसा चुका है। इस कर्ज के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि वो चीन का कर्ज वापस ही नहीं दे पा रहा है और वो अब चीन की उंगलियों पर नाचने को मजबूर है। वहीं पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा ले रखा है। उसकी हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है और हाहाकार मची हुई है। यहाँ की सरकार भी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। चारों तरफ कर्ज से दबे पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक पीएम इमरान खान के राज में 20.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयों का कर्ज बढ़ा है, जिसके बाद पाकिस्तान का कुल कर्ज बढ़कर 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया हो गया है। वहीं डॉलर में कर्ज करीब 283 बिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान में कुल जनसंख्या 22.71 करोड़ की है। इस तरह से पाकिस्तान के हर नागरिक पर 1230.50 डॉलर का कर्ज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान की नई सरकार क्या रंग दिखाती है। क्या वो पाकिस्तान के कर्ज को कम कर पाएगी या फिर वो इस आंकड़े को और बढ़ा देगी। इटली। इटली का नाम आते ही फास्ट फूड के जायके सबके सामने आ जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ का टावर ऑफ पीसा भी इटली की पहचान बना हुआ है। इटली में करीब 6 करोड़ की जनसंख्या रहती है। इस देश की GDP करीब 1.89 लाख करोड़ यूएस डॉलर है। इटली का एक्सटर्नल डेट करीब 3,200 बिलियन डॉलर है। कोरोना के बाद इटली की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आई है। यहाँ गरीबी की दर बहुत तेजी से बढ़ी है, जो 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ती है। इसके साथ यहाँ का कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नीदरलैंड। नीदरलैंड बहुत ही खूबसूरत देश है दोस्तों, लेकिन इस खूबसूरत देश पर विदेशी कर्जे का भी बहुत बड़ा भार है। इस छोटे से देश की जनसंख्या करीब 74 लाख है। वहीं नीदरलैंड की GDP 92,000 करोड़ यूएस डॉलर है। वहीं अगर इसके विदेशी कर्ज की बात करें तो नीदरलैंड ने करीब 436.91 बिलियन डॉलर का कर्ज है। एक छोटे से देश पर यह राशि बहुत ज्यादा है। जर्मनी। जर्मनी भी वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने वाले कर्जदार देशों की लिस्ट में शामिल है। वैसे जर्मनी में मर्सिडीज, BMW, ऑडी, फॉक्सवैगन, एडिडास जैसे बड़े बड़े ब्रांड सब जर्मनी की ही देन है, लेकिन फिर भी यह कर्ज में डूबा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जर्मनी 357,000 स्क्वायर किलोमीटर में देश फैला हुआ है। वहीं यहाँ की जनसंख्या 8.35 करोड़ है। ये दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं अगर इसकी GDP की बात की जाए तो ये 3.81 करोड़ यूएस डॉलर है। वहीं इसके कर्जे की बात की जाए तो इसके ऊपर लगभग 5.9 ट्रिलियन यूरो का विदेशी कर्ज है। यह आंकड़ा जर्मनी की GDP का 163% है। जर्मनी का भी कोरोना काल में काफी नुकसान हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखने को मिली है। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ इतनी गरीबी आ गई है कि यहाँ हर 5वां बच्चा गरीबी में पलने की नौबत में आ गया है। फ्रांस।
एक और यूरोपीय देश यानी फ्रांस इस कर्ज के मामले में शामिल है। दोस्तों, वैसे तो फ्रांस का नाम आते ही खूबसूरत देश की छवि सामने आ जाती है, इसके साथ ही इसकी राजधानी पेरिस की बात तो अलग ही है। यहाँ मौजूद एफिल टावर के बारे में तो पूरी दुनिया ही जानती है। इस टावर को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो फ्रांस 5,43,940 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ करीब 6.74 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। वहीं इसकी GDP की बात करें तो वो लगभग 2.6 करोड़ US डॉलर है। फ्रांस का विदेशी कर्ज $3,000 बिलियन बताया जाता है, जो कि इसकी GDP का कुल 261% है। ब्रिटेन, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के कर्जे में ब्रिटेन का भी नाम शामिल है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर अपना राज जमाया हुआ था। ये कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल था और ये दूसरे देशों को लूट कर अपना खजाना भरता था। लेकिन आज ये वक्त है कि ब्रिटेन खुद कर्जदार हो गया है। दरअसल कोरोना के समय ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी। इस परेशानी से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कर्ज लिया था। ब्रिटेन का क्षेत्रफल 2,42,495 किलोमीटर है। वहीं यहाँ की जनसंख्या 6,80,00,000 है। ब्रिटेन की GDP 2.71 करोड़ US डॉलर है। इस हिसाब से ब्रिटेन दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था का स्थान रखती है, लेकिन फिर भी यह कर्ज में डूबी हुई है। इस पर करीब 138.5 बिलियन यूरो का कर्ज है, जो इसकी GDP का करीब 318% है। ब्रिटेन की जो हालत है उसे यही कहा जाता है कि ब्रिटेन ने जैसा किया था उसने वैसा ही भरा है। दूसरों को लूटने वाला आज खुद कर्जदार हो गया है। अमेरिका, दोस्तों अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है। वैसे तो अमेरिका सबसे आगे निकलने की होड़ में है और सभी पर अपनी हुकूमत भी जमाता है, लेकिन यह कर्ज के मामले में भी दूसरे देशों से आगे निकल गया है और इस पर लगातार विदेशी कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका पर भारत का भी $216 बिलियन का कर्ज है। वहीं अमेरिका के कुल विदेशी कर्ज की बात की जाए तो इस पर $29,000 बिलियन का कर्ज है। अमेरिका पर जापान का सबसे ज्यादा कर्ज है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2020 में अमेरिका पर 23.40 ट्रिलियन कर्ज था, जिसके मुताबिक हर अमेरिकी नागरिक पर $72,309 का कर्जा है। जापान, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान पर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज है। आज जापान तकनीक के मामले में सबसे आगे है, लेकिन यह कर्ज के मामले में भी सबसे पहले है। ये छोटा देश काम को लेकर भी बहुत सजग है, लेकिन फिर भी इस पर कर्ज का भार सबसे ज्यादा है। जापान का क्षेत्रफल करीब 3,77,995 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 12 करोड़ है, लेकिन यहाँ की GDP से ज्यादा तो इसका कर्ज है। आंकड़ों के मुताबिक जापान पर यहाँ की GDP से 264% ज्यादा कर्ज है। वैसे जापान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी इस पर कर्ज बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 10 देश जो विदेशी कर्जे में डूबे हुए हैं। वहीं अब भारत की बात की जाए तो भारत के पास इन देशों की तरह इतना बड़ा कर्ज तो नहीं, लेकिन फिर भी भारत विदेशी कर्ज में डूबा तो हुआ है। चाहे देश में मनमोहन सरकार हो या मोदी सरकार, हर सरकार में देश कर्ज से ही चला है। हालांकि मनमोहन सरकार में कमाई में 27 से 29 पैसा कर्ज से आता था। मोदी सरकार में यह कर्ज कम हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। कोरोना के दौर में सरकार की कमाई में कर्ज बेतहाशा बढ़ गया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के मुताबिक सितंबर 2021 तिमाही तक केंद्र सरकार पर 125.71 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से 106.95 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इंटरनल था, वहीं 8.05 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बाहर से लिया गया है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत पर 2021 में विदेशी कर्ज 43.22 लाख करोड़ रुपए है, जिसके हिसाब से हर नागरिक के ऊपर 32,000 रुपए का कर्ज है। लेकिन यह आंकड़ा 2014 में 35.89 लाख करोड़ रुपए था।